हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। वेलकम बैक टू फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो साथियों, सरकार के खिलाफ छात्रों का जो है गुस्सा वो फूट चुका है और आज रोहतक में हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रोष प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, पेट्रोल फिक्स करो, फिक्स करो, फिक्स करो, पेट्रोल फिक्स करो, फिक्स करो, फिक्स करो। आपको बता दें कि हाल ही में 7 और 8 अगस्त को जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी उसको लेकर जो लिखित परीक्षा थी उसका पेपर आउट होने के चलते इस परीक्षा को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है HSSC के द्वारा, और उसी को लेकर छात्रों में काफ़ी रोष था। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था वो भी वाकई में जो पैटर्न है उससे हटकर था, जिससे छात्रों में काफ़ी जो है नाराज़गी थी और वही उन्होंने बताया। बाकी क्या है पूरा मामला उसका हम वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार वाकई में बैकफुट पर है और कोई भी छात्र सरकार से खुश नहीं दिखाई दिया यहां पर। बाकी हजारों की संख्या में छात्र एकजुट होकर यहां पर इकट्ठा हुए थे और जो कई यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी गुहार लगाई थी कि सभी छात्र एकजुट होकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करें, लेकिन कई छात्र वहां पर मौजूद नहीं हुए, जिसके चलते उन्होंने उनको भी कोसा कि ये आपके हक की लड़ाई है, इसलिए अगर आप इकट्ठा नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। तो साथियों, हमारी भी सभी छात्रों से और सभी उम्मीदवारों से गुजारिश है कि एकजुट होकर सरकार के खिलाफ ये मुहिम चलाएं और जहां तक हमारे चैनल से संभव हो पाएगा हम भी आपकी इस खबर को दूर तक पहुंचाएंगे। बाकी यही चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर सार्थक संज्ञान ले और इस पेपर को जल्द से जल्द करवाया जाए। और हाँ, यही पेपर नहीं, बाकी जितनी भी भर्तियाँ पेंडिंग हैं उनको सरकार पूरा करे। केवल और केवल सरकार वादे करती है, जहाँ तक भर्तियों की बात आती है या तो वो पेपर लीक हो जाता है या किसी कोर्ट केस के पचड़े में फंस जाता है, और जिसके चलते जो भी भर्तियां हैं वो आज तक लंबित पड़ी हुई हैं और जो उम्मीदवार हैं उन्हें इसका हर्जाना हो रहा है, जिसके चलते कई उम्मीदवार तो ओवरेज हो चुके हैं और उनकी भरपाई कौन करेगा, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। और सरकार ने जो पैटर्न बनाया हुआ है परीक्षा का वो भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, यानी कि कोई भी पैटर्न यहाँ पर सही रूप से नहीं है जिसको लेकर उम्मीदवार एकजुट होकर अच्छे से तैयारी कर सकें। तो इसमें सरकार को ढंग से पैटर्न बनाना होगा और जो परीक्षा का शेड्यूल है वो उसी अनुसार लेना होगा। बाकी जहाँ तक परीक्षा कंडक्ट करवाने की बात है, उसमें जो आला अधिकारी हैं क्योंकि उनकी मिली भगत के बिना ये पेपर लीक नहीं हो सकते, इसलिए उनके ऊपर कार्यवाही होना बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की गलतियां ना दोहराई जाएं। HSSC कमीशन, हरियाणा सरकार, इंकलाब, पेपर पैटर्न, पेपर लीक को बंद करो, हमारी मांगे, युवा शक्ति। इस प्रदर्शन के बाद सरकार सोचने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि इस तरह के रोष प्रदर्शन अगर हर जिले में, हर शहर में होने शुरू हो गए तो ये वाकई में सरकार के लिए सिरदर्द बन जाएगा और आखिरकार सरकार को इस बारे में सोचना ज़रूर पड़ेगा। तो साथियों, आप सब इकट्ठा होकर इस मुहिम में भागीदार बने और सरकार के खिलाफ ये मुहिम चलाएं कि वो जल्द से जल्द इस पेपर को कंडक्ट कराए, और कंडक्ट ही नहीं जो भी इसके पीछे कल्प्रिट हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि जो उम्मीदवार हैं उनका भविष्य अधर में न लटके। बाकी आपकी इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, और जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को हिट करे ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ। प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।